हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जो पनीर पराठे की रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे आटे में, क्योंकि आटा इससे मुलायम होता है। उसके बाद इसमें हम 1/3 टेबल स्पून नमक ऐड कर देते हैं, उसको मिला लेते हैं, क्योंकि हमारा इससे आटा टेस्टलेस नहीं लगेगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं हम। अब हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेते हैं। अच्छा मुलायम आटा हमें गूँथना है, आटा सख्त नहीं होना चाहिए पराठे बनाने के लिए। तो मैंने आटा गूँथ लिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आटा हमारा फूल जाए तब तक। पनीर का पराठा बनाने के लिए हम पनीर को काट लेते हैं, उसके बाद इसको हम कस लेते हैं। पनीर को हमने कस लिया है, अच्छी खासी पूरी पनीर हमने कस लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। धनिया लगभग 2 टेबल स्पून लगभग डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। वन टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून अंदर इसके डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर एंड हमने चिली चॉप कर ली है, अच्छी खासी मैंने चॉप की एकदम पतली पतली, ज़्यादा मोटी नहीं करना है इसमें। इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसी में। जीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून लगभग। हरी कोरिएंडर लीफ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम नमक ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को हम मिला देते हैं अच्छे से। हमारी स्टफिंग बन गई है, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेते हैं। आटा हमारा काफ़ी मुलायम और अच्छा बना हुआ है, आटा काफ़ी स्मूथ है। हम एक एक गोला काट लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा होल बनाइए, उसके बाद आप स्टफिंग इसके अंदर भरिए। स्टफिंग को दबाते जाइए, जितना हो सके आप उतना भर सकते हैं, बस इसको अच्छे से दबाते जाइए। बस दबा के ऐसे फोल्ड कर दीजिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा आटा हम ऊपर निकाल बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद इसे घुमा देते हैं। हल्के हाथ से हम इसको दबा लेते हैं, ज़्यादा टाइट हाथ नहीं लगाना आपको, सिर्फ हल्के हाथ से करना है। के हाथ से इसको हम बेल लेते हैं।
तवा हमारा अच्छा खासा गरम हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। हम पराठे को फ्लिप कर देते हैं। तेल अभी हम नहीं लगाएंगे। तेल जब हम उस तरफ जब फ्लिप करेंगे तब पराठे में तेल लगाएंगे ताकि हमारा पराठा फूले। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। इसको इस स्टफिंग को दबा देंगे अच्छे से। अब हम आप पराठे को फिर से फ्लिप करेंगे। अब हम लगाएंगे इसके अंदर ऑयल। पराठा जब भी बनाएं आप, जब दोनों तरफ फ्लिप कर लें तब जाके आप तेल लगाएं। इधर हम फ्लिप कर देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। पराठा हमारा अच्छा खासा पक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। अब इसी तरह दूसरा पराठा भी डाल लेते हैं। नेक्स्ट पराठा भी बना लेते हैं उसी तरह। खीरे का रायता बनाने के लिए हमने दही ले लिया है। अब दही को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें खीरा मिला लेते हैं। इसको अब खीरे को हम इसके अंदर मिला लेते हैं। ये लगभग एक खीरा है, एक खीरा काफ़ी है हमारे लिए। इसको मिला देते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरा को हमने भून कर पीस लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नॉर्मल नमक इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून से। इसको भी ऐड कर देते हैं। इसमें ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड कर देते हैं। रायते में टेस्ट आता है तो हम दोनों इसमें ऐड कर देते हैं। ज़्यादा हम इसी को ऐड करेंगे तो हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर लेते हैं। अब उसको मिला देंगे। हमें थोड़ा सा तीखा भी पसंद है इसलिए हम थोड़ा सा इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देते हैं। मिला लेते हैं। धनिया की पत्ती इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम थोड़ी सी। अगर आप ज़्यादा अच्छा और खाना चाहते हैं तो आप इसमें तड़का भी लगा सकती हैं। तड़का लगाने के आप जीरा का तड़का लगा सकती हैं, आप मेथी का भी तड़का लगा सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद हो। हम लोग को सिंपल ही खाना है तो हम इसमें तड़का नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही बना लिया है। हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। हमारा पनीर पराठा एंड खीरे का रायता तैयार है।
देखिए हम पनीर को तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, कैसे पनीर इसके अंदर दिख रही है अच्छी खासी। और हमारा पराठा अच्छा खासा पका हुआ है, इसलिए हमारा पनीर भी अच्छे से दिख रही है, अच्छी खासी स्टफिंग इसके अंदर भरी गई है पनीर में ये। और बहुत अच्छा मतलब बना हुआ है पराठा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एंड हमने खीरे का रायता बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। आप खीरे के रायता एंड पनीर पराठा, आप तो रायते के साथ आप तो कुछ भी खा सकते हैं, तो हमने आज पराठे के साथ खीरे का रायता ही बनाया है। वैसे भी आजकल गर्मी के मौसम में खीरे का रायता बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हो सके तो आप इसमें हल्का से तड़का दे के खाएँगे तो आपको और अच्छा लगेगा रायता ये। और उसे भी खाइए जब आपका मन करे, ठंडी गर्मी जो भी मौसम में तो आप खाइए। और हमारा पराठा काफ़ी अच्छे से फूल